जय हिंद। गुजरात के सूरत में मिस सुनीता यादव है और उनका जो कंट्रोवर्सी चल रहा है आप लोगों को पता चली गया होगा। और मुझे अभी जो चार पांच क्लिप मुझे फॉरवर्ड किए हैं, ऑडियो क्लिप है उसमें से दो और दो वीडियो क्लिप है, उसको देखा समझ जो मुझे समझ में आया वो ये है कि देखो बहुत सीधी सी बात है कि मंत्री का बेटा, बीजेपी का एक कोई मंत्री है उसका बेटा जो कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री है, जो मतलब स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, उसका बेटा उसको बुलाया उसके दोस्तों ने क्योंकि वो शायद मास्क नहीं लगाए हुए थे, जैसा इशू था उनका डिस्कशन हुआ। यहां पे ठीक है वो तुम लोग का जो मैटर है पंचायत है जिसको बोलते हैं ना, ये चिंदी चोरगिरी उस पर बात नहीं करते, किसी को धमकाना हो ये सब जो पुलिस को जो कर रहे हैं वो ठीक है छोड़। यहां मैटर जो है वो कंसर्न का ये है कि उसके अगर लड़के हैं जो उसके दोस्त थे विधायक के लड़के के, पहली बात तो ये कि विधायक नहीं है। अब यहां पे एक बात ये प्रोटोकॉल की आती कि अगर ये विधायक नहीं है मंत्री नहीं है तो इसका लौंडा कैसे उस गाड़ी को चला सकता है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ऐसे तो फिर कोई भी लाल बत्ती, फिर मतलब पूरा खानदान की लाल बत्ती थोड़ी होती, उस पद की होती है, पद वाले के लौंडे की नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ इस पर जब ये बवाल मचा तो उसके बाद अरेस्ट हो गए मेरे ख्याल से 188, 269, 270 और 114 मेरे ख्याल से, है ना, तो उसमें अरेस्ट हो गए। वो एक बनी बात है क्योंकि मिनिस्टर ने ये कहा फोन पे, समझ में तो आई क्या होगा, मिनिस्टर ने ये कहा कि इनको अरेस्ट करो उचित कार्रवाई करें। अगर ऐसा था और अगर कोई गिला शिकवा नहीं था तो फिर इस बच्ची का ट्रांसफर क्यों हुआ? तो यहां पर सवाल यह आता है कि जब एक यूनिफॉर्म में, पहली बात इसमें दो वर्जन है, पहला वर्जन यह है कि अगर ये उससे कहा गया है, उस लड़की से ये कहा है मिनिस्टर के अगर लौंडे ने कि तेरे को 365 दिन यही खड़ा करेंगे, पागल लगा रहे क्या बे, तेरे बाप का कोई नौकर नहीं है वहां पर, यहां मैटर यह आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आती है और तुम वर्दी की कैसे इंसल्ट कर सकते हो, उसी की तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। कुछ होते होंगे लेकिन कुछ का स्वाभिमान भी होता है पुलिस में। और दूसरा यहां पर मैटर ये आता है, जो दूसरा वर्जन है इसका, वो वर्जन ये है कि अगर बनी बात है इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, अगर इस लड़की ने गाली गलौज किया है, मारा है और अगर वो सही थे तो उसका पनिशमेंट लॉ के हिसाब से होगा, सीनियर्स करेंगे, इंक्वायरी बैठेगी उसके हिसाब से होगा। लेकिन एक महिला को, पहली बात तो महिला को, दूसरा वो महिला जो वर्दी पहनी हुई है तो वो वैसे विशिष्ट हो जाती है, तुम उसका अपमान कर रहे हो पब्लिकली और अपने अगर दोस्तों को बचाने के लिए, तो ये कौन सी बात है यार। तो यहां पर वोटर्स की भी बात होती है जब आप चुनते हो, क्योंकि समस्या ये आ रही है कि हमारे तक जब चुनाव में अगर चुनना होता तो कई कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो जाता है कि बुरे को चुने कि कम बुरे को चुने, गंदे को चुने कि कम गंदे को चुने, क्योंकि अच्छा और साफ सुथरा तो है नहीं। तो ये ध्यान रखना जब भी चुनाव हुई आपकी जिम्मेदारी यहां कि ऐसे को तो चुनो जो कम से कम महिलाओं का सम्मान कर सके, वरना ये सब फिर ढकोसला हो जाएगा कि जो अपन, और कहां गए बोलो जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहां गए बोलो जो किसी एक लड़की की अगर, हां यहां पर मैटर ये है कि कुछ चुनिंदा मुद्दों, कुछ चुनिंदा, कुछ ऐसे मैटर है सिलेक्टिव उसमें खड़े हो जाते हैं। क्यों, अब कहां गए, अब नहीं हो रहे आंदोलन, अब नहीं सपोर्ट कर रहे। तो यहां पर मैटर ये है, देखो लॉ का ऐसा, जो लॉ का जो चीजें हैं वो लॉ के हिसाब से चलेंगी। अगर वर्दी पे उस लड़की ने गलती की तो उसको कोर्ट कौन सजा देगा, उसके लिए पूरी इंक्वायरी होगी, उसके हिसाब से आप जाओ कोर्ट में जाओ डिफेमेशन कर दो अगर हुआ है तो, मैटर यहां पर। लेकिन एक महिला को यह कहना अगर ये कहा गया है तो यार सुनो बे तुम लौंडे हो, तुम्हारा बाप मंत्री है, पहली बात तो तुम नहीं हो, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज ये है, हाँ अगर यहां पर आप लोग आज भी चुप रहते हो तो जब एक महिला का वर्दी में अपमान हो रहा है और आप आज भी चुप रहते हो ये पता चलने के बाद, मुझे अब भी पता चला मैंने रिएक्ट किया, कम से कम रिएक्ट करिए, करिए मैं तो करूंगा, प्रधानमंत्री साहब को, गृहमंत्री साहब को और जितने कंसर्न है चीफ मिनिस्टर से लेकर सबको ट्वीट करूंगा पर्सनल, जहां जहां से जिस जिसके मेरे पास नंबर उपलब्ध होते हैं मैं सबको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे और डायरेक्ट चीजों पर भेजूंगा। तो यह मैटर रहता है, आवाज मत उठाओ, चुप रहो, फिर कल को आपकी मां बहन के ऊपर अगर कोई ऐसी टिप्पणी करेगा तो फिर आप किसके पास जाओगे। तो ये मैटर आपके लिए है, आप सोचिएगा, मुझे लगता है इस ऐसी चीजों पर रिएक्ट करना बहुत जरूरी है दोस्त, आप वरना चुप रहो, वही वाली बात है, थप्पड़ खाते रहो, चुप रहो, थप्पड़ खाते रहो, चुप रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि जो आज थप्पड़ मार रहा है कल गला काटेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारी आदत तो चुप रहने की हो गई है ना। तो यहां यह समझो। और दूसरा एक तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कंसर्न है वो मालूम है, ये कि अगर इस महिला की वर्दी में इंसल्ट हुई उसके बाद उसको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो चल क्या रहा है, तो पुलिस में स्वाभिमान कहां रह गया फिर, उस खाकी वर्दी में स्वाभिमान क्या हो गया। ध्यान रखिएगा आपके पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन ये इंडियन पुलिस एक्ट के अंतर्गत है और जो है बनी बात है राज्य सरकार के अंतर्गत है, राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन गुलाम नहीं है। अगर किसी भी पुलिस वाले का स्वाभिमान, मेरे यार हैं, मेरे हैं दोस्त,
जितनों को मैं जानता हूं, मतलब मेरे जितने आईपीएस हो, जो भी मेरे यार हैं, बिल्कुल लगते जगह रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब दिलेर हैं और सबने दौड़ा के गोली नहीं छातियों पे खाई और छातियों पे मारी है, वो वाली बात है। तो मैं उन वर्दी वालों को जानता हूं जिनके लिए उनका स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है, किसी के बाप से नहीं डरते वो। तो यहां पर ये मत करो यार, वरना पूरी पुलिसिंग का मोराल गिराते हैं ये मिनिस्टर के लौंडो जैसे जो लोग हैं। और अगर आज भी आप चुप रहे, शांति से रहे, तो ध्यान रखना, पुरानी कहावत है कि अगर बाजू वाले के घर में आग लगी है तो अगला नंबर 13 होगा। आज अगर एक महिला को, वर्दी पहनी हुई महिला का अपमान हो रहा है, कल देख लेना जब आपके घर की माताओं को, बहनों को, बीवियों को और आपके घर की अगर महिलाओं को कुछ होगा, तब भी मेरा फिर चुप ही रहना, देख लेना। जय हिंद।